हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार का वॉक अराउंड रिव्यू, जिसको हर कोई जानता है, बच्चा जानता है। इसको देख कर वो बता सकता है कि ये कौन सी गाड़ी है। तो ये है स्विफ्ट का फेसलिफ्ट लिमिटेड, जो 2021 के अंदर स्विफ्ट आती है उसी का ये वेरियंट है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस गाड़ी के अंदर क्या इसका एक्सटीरियर है, क्या इंटीरियर है, क्या इंजन स्पेक्स आता है, किस ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी की दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ इस टाइप की स्मार्ट की आती है, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का बटन आता है और इधर है वो सुजुकी का लोगो आता है। ये देखिए, दोनों की दोनों है, आपको स्मार्ट की मिल जाती है। और यहाँ पर इसके अंदर है कुछ ऑन ऑफ का भी ऑप्शन दिया गया है। तो बाकी इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह मैं आपको गाड़ी के अंदर साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट के अंदर आपको सेंटर के अंदर सुजुकी का लोगो मिलता है और ब्लैक कलर की जो है इसकी ग्रिल दी गई है, जो नए डिजाइन के अंदर इसकी ग्रिल आई है। और यहाँ पे आपको है बीच के अंदर जो क्रोम की एक गार्निश दी गई है, जो इसके लुक को है थोड़ा सा इनहांस कराती है। और ये अगर मैं इस साइड में बात करूँ हेडलाइट यूनिट की, तो हेडलाइट यूनिट है आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट यूनिट मिलती है और साथ में इसके अंदर आपको है इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और अगर मैं नीचे बात करूँ तो नीचे आपको इसके अंदर फॉग लैंप मिल जाता है। ये इसका जो है टॉप सेकंड टॉप मॉडल है ZXi, तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप मिल जाता है। अदरवाइज इसके अंदर आपको फॉग लैंप की जो है हाउसिंग मिलती है और इसके फॉग लैंप के साथ में आपको ये ब्लैक कलर दिया गया है। और ये इसका जो नीचे से लुक है कुछ इस टाइप का इसका लुक है। ये जो लुक है इसका फ्रंट का जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक लगता है, स्पोर्टी सा आपको है फील कराता है इसका जो लुक है, आप देख सकते हो। और ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। इसका जो नाम ही बिकता है वही बहुत है। लुक तो छोड़िए, आप नाम पे ही इसके जो लोग हैं फिदा है। यहाँ पे आपको है वाइपर प्लेस किए गए हैं, देखिए। और ये इसका जो है कुछ इस टाइप का बोनेट है। और अगर मैं इस साइड से बात करूँ, आपको टायर प्रोफाइल की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको है, इसके अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 185/65R15। और इसके अंदर आपको ये है जो सिल्वर के अलॉय व्हील के साथ आती है। ये देखिए आप, इसका जो अलॉय व्हील है कुछ इस टाइप के इसके अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो इसी वेरियंट से आपको मिलने स्टार्ट होते हैं। ये देखिए आपको इसके अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और ये इसका जो है पूरा व्हाइट कलर के अंदर दिया गया, डोर के ऊपर साइड में कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं दी गई है। अगर मैं इसके ORBM की बात करूँ तो ORBM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM मिल जाते हैं, जिसके ऊपर ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको इसके अंदर ब्लैक कलर दिया गया और ऊपर आपको है वो बॉडी कलर ORBM मिल जाता है। और इसका जो ABC आप पिलर देख रहे हो, ये आपको तीनों है वो ब्लैक कलर के अंदर दिया गया। और इसका जो डोर हैंडल आपको बॉडी कलर का ही डोर हैंडल मिल जाता है। और यहाँ पे आपको डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, अगर आपके पास की होनी चाहिए और ये आपको स्मार्ट की होनी चाहिए, इससे आप रिक्वेस्ट सेंसर से इसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। इसके अंदर देखिए डोर हैंडल और ऊपर आपको रूफ रेल वगैरह कुछ नहीं मिलती है। अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल से बात करूँ तो हम चलते हैं इसके रियर पे। रियर पे आपको सबसे पहले ऊपर नजर आती है, जहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया है। और ऊपर आपको है यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। और इधर आपको है जो वाइपर दिया गया है उसका जो है वॉशर वाला सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको पीछे वो डिफोगर वाइपर आपको मिल जाता है। और अगर मैं इधर बात करूँ तो आपको सेंटर के अंदर सुजुकी का लोगो और इधर है वो स्विफ्ट की बेजिंग आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको VXI का कोई वेरिएंट वगैरह नहीं मिलता है। और ये है आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं, जिसके अंदर ये जो यहाँ पे आपको है इसके अंदर LED मिलेगा और बीच में आपको है इंडिकेटर है वो नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर मिलेगा। और इसको दोस्तों इसकी जो टेल लाइट है वो काफ़ी प्यारी इसकी टेल लाइट लगती है। आप देखिए इसका जो टेल लाइट का लुक है वो थोड़ा अलग सा ही लुक हमें फील कराता है। और इसके पीछे आपको 4 रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, देख लीजिए आप। और आप बीच में ये जो है सुजुकी का ये जो बीच में आप देख पा रहे हो, ये आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो आपको एज एसेसरीज के तौर पर कनेक्ट किया गया है। और ये डायरेक्ट आपको है इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर ही आपको कनेक्ट किया गया है। ये देखिए आपको कुछ इस टाइप का इसका जो है बैक लुक है। और अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। और यहाँ पे आपको है इसके अंदर जो है बैक जो डोर का जो ओपनिंग है वो यहाँ से होती है, आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस टाइप की यहाँ से इसकी बैक डोर की ओपनिंग हो जाती है। और अब मैं आपको इंटीरियर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है सुजुकी का इंटीरियर, आप देख लीजिए। ये इसका जो है सेकेंड टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। ये कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर। अभी आप डिटेल में बात करें इसके, इसके अंदर काफ़ी है वो सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है, आप देख लीजिए। और मैं अगर इधर बात करूँ आपको पहले फ्रंट के डोर में, तो यहाँ पे जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर दिए गए हैं। इधर आपको ORBM कंट्रोल के बटन दिए गए, इधर आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया। ये आपको चारों पावर विंडो दिए गए। और इसका जो ये है एंटी पिंच के साथ आता है, वन टच अप एंड डाउन का इसका जो है पावर ऑप्शन आता है। ये यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इधर आपको है वो फैब्रिक दिया गया है। और इसके अंदर भी आपको देखिए, आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, ये देखिए। और ये नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपको नीचे इसके अंदर बोतल होल्डर मिल जाता है और कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है। और इसके अंदर आपको है ये स्पीकर मिल जाते हैं, ये देखिए।
अगर मैं बताऊँ इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, ये यहाँ पे है, इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ में इसके अंदर जो है एडजस्टेबल आपको है ये हेडरेस्ट मिल जाएंगे, दोनों फ्रंट के हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अंदर, अब अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे आपके पास है स्मार्ट की होनी जरूरी है, आप इसको कहीं पे भी रख दो, उसके बाद में इसका जो भी काम वगैरह करना है आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसके इंटीरियर से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे है, मैं स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग है आपको इसके अंदर है, लेदर रैप आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा, आप देख सकते हो इसके अंदर लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर आपको है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, और इधर आपको कॉलिंग वगैरह के फंक्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेंटर के अंदर सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आपको एयर बैग मिल जाएगी, और ये देखिए यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश इसके अंदर दिया गया है, और इसका जो ये स्टेयरिंग है काफ़ी प्रीमियम आपको स्टेयरिंग जो लगता है काफ़ी अच्छा इसका फील कराएगा। ये डी कट या फिर जिसको फ्लैट बॉटम हम स्टेयरिंग बोल सकते हैं, ये आपको इसके अंदर जो स्टेयरिंग मिल जाएगा, और ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल के साथ इसका है स्टेयरिंग आपको आएगा, ये देखिए। और इसका अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको है वो दोनों आपको स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर है, दोनों आपको है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे एनालॉग। और इसके अंदर जो सेंटर के अंदर छोटी सी स्क्रीन जो देख रहे हो आप, ये मिलेगी आपको इसके अंदर डिजिटल, जिसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी। और इधर आपको है वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, और इधर आपको है जो लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये देखिए इधर है आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। इधर आपको पुश स्टॉप स्टॉप का बटन मिल जाएगा, इधर आपको ये मिल जाएगा जो ऑटोमेटिक आपको जैसे लाइट वगैरह कहीं स्टॉप वगैरह करना हो तो वहाँ पे आपको बंद चालू कर देगा गाड़ी। और ये यहाँ पे आपको है वो हेडलाइट यूनिट्स को एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आपको है यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, देखिए आपको ब्लैक कलर के अंदर ये आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। और इसका अंदर जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया, और जो मारुति की गाड़ी है उनका एक खास बात है फिट एंड फिनिश इसका बहुत ही प्यारा था, आप देखिए कहीं पे भी इसको जो है सारी चीज़ें हैं वो इक्विवेलेंट प्रॉपरली आपको फिट एंड फिनिश मिलेगी। अगर इसके म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, और नीचे आपको इसके अंदर जो है एसी वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, और ये आपको ऑटोमेटिक एसी के ऑप्शन इसके अंदर जो है मिल जाता है आपको, ये देखिए आप ये देख सकते हो इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के अंदर ये आपको है जो कैमरे वाला जो काम किया है वो किया हुआ है, और ये कुछ इस टाइप का इसका जो है इंटीरियर है। और अगर मैं इसके ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, जो आपको नॉर्मल ग्लो बॉक्स आता है। अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर आपको ये ग्रे बैंडर मिल जाता है। अगर मैं वाइजर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको है वो वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए इधर लाइट वगैरह है, इधर आपको इसके अंदर माइक वगैरह मिल जाता है, इधर आपको कुछ नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिलता है ओनली, और कुछ इस टाइप का इसका। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करके दिखाऊं तो आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल वगैरह पता चलेगा क्या कुछ है, ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन है, कुछ इस टाइप का इसके अंदर जो है देखिए कुछ काफ़ी प्यारा सा इसका जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप इसको। और ये इधर है आपको इधर सुजुकी का लोगो मिल गया, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। इधर आपको 12 वोट का पावर सॉकेट मिल जाता है, इधर ऑक्स और यूएसबी केबल का ऑप्शन मिल जाता है, इधर फोन वगैरह आप रख सकते हो, इधर की वगैरह या ग्लास होल्डर वगैरह रख सकते हो। ये इसके अंदर आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इसके अंदर AMT और मैनुअल दोनों ऑप्शन आते हैं, दोनों के दोनों आपको पेट्रोल के अंदर ही मिलते हैं। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ तो इसके अंदर देखिए आप काफ़ी चीज़ें आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, और इधर है आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर ये जो छोटा सा ये बटन सा दिया होता है इसको दबा के आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हो, ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो। और ये कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे आपको ये मैंने बता ही दिया आपको इसके अंदर दोनों एनालॉग मिलते हैं, और काफ़ी प्यारा इसका जो है ये मिलता है इंस्ट्रूमेंट पैनल है, बहुत ही अच्छा मिलता है। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिलता है, और इसके अंदर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिलता है। इसके अंदर आपको ये देखिए ये ऐसे कुछ इस टाइप के ऐसे वेंट्स मिलते हैं फ्रंट के, जिसके ऊपर आपको ये सिल्वर फिनिश दी गई, और यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलती है, ये देखिए आप पट्टी है ये कितनी प्यारी लगती है। ये जो है अपनी जो डिज़ायर आती है उसके अंदर आपको ये वुडन के अंदर मिलती है, और इसके अंदर आपको है ये इसके अंदर सिल्वर कलर के अंदर ही मिलते हैं, यही सिल्वर कलर आपको यहाँ पे स्टॉप स्टॉप बटन पे भी मिलता है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, ना पीछे आपको एसी वेंट्स वगैरह मिलते हैं, आपको यहाँ पे ये कप होल्डर वगैरह मिलता है, और काफ़ी अच्छा स्पेस काफ़ी अच्छी स्पेसियस है। और इसके अंदर अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर ये जो आपको है IRBM है जो ऑटो डिमिंग IRBM है, और इसको मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और गाड़ी है वो अंदर काफ़ी साइलेंट, अभी गाड़ी स्टार्ट है आप देख सकते हो, ये इसका जो है स्टार्ट है गाड़ी, और काफ़ी अंदर साइलेंट है, बिल्कुल सुपर साइलेंट इसका जो है इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है वो मारुति का इंजन आता है। और इसके अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं, 1 एयरबैग वहाँ पे आता है, और 1 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर आपको एयरबैग मिल जाता है। तो अब चलते हैं हम पीछे, आपको मैं पीछे की सीटें दिखाता हूँ कितना स्पेस वगैरह देखे मैं। तो अब हम चलते हैं पीछे, आपको सी पिलर पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है, और बैक साइड की अगर मैं डोर की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का रियर डोर मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको
डोर हैंडल मिल जाता है जो सिल्वर फिनिश के अंदर मिलता है आपको। यहाँ पे पावर विंडो का बटन मिल जाता है, यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको जगह मिल जाती है, एक बोतल होल्डर मिल जाता है। इसके अंदर जो प्लास्टिक है जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। और इस टाइप का इसके अंदर रियर का जो है स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे पीछे भी आपको है एडजस्टेबल है, आपको हेडरेस्ट मिल जाता है ये देखिए आप। और पीछे आपको ऐसी वेट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऐसी वेट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं आपको। और ये जो सीट कवर आप देख पा रहे हैं ये एसेसरीज के तौर पे लगाया कंपनी ने और काफ़ी अच्छे इसके सीट कवर है। और मैं अगर स्पेस की बात करूँ तो देखिए आपको अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा। और ये जो सीट है मैंने आपको पीछे कर रखी है, मेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं की, अदरवाइज काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्पेस है। और ये देखिए आपको मैं पीछे से फ्रंट का अगर मैं दिखाऊँ इंटीरियर तो कितना इसका जो प्यारा इंटीरियर लगता है ये देखिए आप, कि कुछ इस टाइप का है इसका फ्रंट का केबिन। काफ़ी प्रीमियम फिट एंड फिनिश के साथ है वो गाड़ी आती है और काफ़ी अच्छा फील होता है इसके अंदर बैठने के बाद में, आप देख सकते हो। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर वगैरह, मैंने आपको दिखाई दिया फ्रंट का रियर का। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ, बाद में इसका जो है इंजन स्पेक्स वगैरह बताता हूँ आपको। तो चलिए हम चलते हैं बाहर अब। तो चलिए अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस को आप यहाँ से वन टच ओपन कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का इसके अंदर जो है बूट स्पेस आता है। देखिए ये है इसका बूट स्पेस जिसके अंदर आपको साथ के अंदर पार्सल ट्रे मिल जाती है और ये 268 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। इसके अंदर आपको साथ में ये टूल किट मिल जाती है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ जो एक्स्ट्रा व्हील आता है, ये देखिए ये एक इंच छोटा आपको 14 इंच का एक्स्ट्रा व्हील मिलेगा और इसके ऊपर आपको लिखा है मैक्स 8 स्पीड। तो अगर आप ये टायर इसको आप यूज़ करते हो जो नॉर्मल टायर आता है आपका, इसके अंदर आपको मैक्स 80 की स्पीड पे ही रन करना होगा। और यहाँ पे आपको बूट लाइट मिल जाती है, ये देखिए ये यहाँ पे आपको बूट लाइट मिल जाती है। और कुछ इस टाइप पे यहाँ पे कुछ हैंग वगैरह करने के लिए आपको जगह मिल जाती है। और इधर आपको कुछ एसेसरीज वगैरह के लिए आपको जगह मिल जाती है, ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ ऐसा इसका एक इसके अंदर एक खास बात हो रहा है, ये जो पार्सल ट्रे है आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, यहाँ से ये पार्सल ट्रे हट गई आपकी, पार्सल ट्रे को हटा सकते हो। इसके अंदर जो सीटें हैं वो 60-40 के अंदर सीटें हैं, स्प्लिट होती है। तो आप वो भी अगर आपको सामान वगैरह रखना है और करना है तो इसको सीटों को है आप अलग कर सकते हो और उसके बाद में आप इसके अंदर सामान वगैरह ले जा सकते हो। तो ये था इसका बूट स्पेस। अगर आप चलते हैं आपको इसके इंजन स्पेक्स पे, तो मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए इसको यहाँ पे ये बूट ओपन किया। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। जो स्पीसेंट है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है, काफ़ी स्पीसेंट है। अब मैं आपको इसका इंजन हुड करके दिखाता हूँ, इंजन ओपन करके दिखाता हूँ इंजन कैसा है। तो इंजन आपको है यहाँ से इंजन को ओपन करना होगा, ये देखिए यहाँ पे इंजन ओपनिंग के लिए ये दिया गया है, यहाँ से आप इसको इंटरव्यू और इंजन है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इंजन के ऊपर और हम बात कर रहे हैं इसके इंजन की। तो दोस्तों ये है मारुति स्विफ्ट का इंजन जो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, ओनली और ओनली पेट्रोल के अंदर आती है। और ये आपको इसके अंदर 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो आपको 90 PS की पावर और 139 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करता है। और इसके अंदर आपको मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ गियर बॉक्स का ही आपको डिफरेंस मिलेगा, बाकी जो है इसके अंदर जो इंजन वगैरह सेम ही है, सारा कुछ सेम है। और ये है यहाँ पे है आइसोलेशन वगैरह किया गया है, काफ़ी अच्छे से डंपिंग की गई है, जिससे क्या है आपको जो इंजन है वो साइलेंट अंदर केबिन नॉइज फील नहीं होती, वो आपको मैंने दिखा भी दिया। और इसका जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस टाइप का, काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड इसका ये अलाइनमेंट है, ये देख लीजिए आपको इसका जो फोर्स सिलेंडर 1.2 लीटर फोर सिलेंडर इंजन आता है वो इस टाइप का ये इंजन है। दोस्तों अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी देख रहे हो तो आप उसकी इंक्वायरी वगैरह लेना चाहते हो, उसकी सर्विस वगैरह करवाना चाहते हो, तो आप मारुति के सर्विस या सेल्स के ऊपर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉल कीजिए, आपको हर डिटेल मिलेगी, क्विक डिलीवरी की कोशिश की जाएगी, अच्छा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी स्विफ्ट इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक कार का फुल बैकग्राउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।